Hello friends, how are you? Students, we are studying your chapter number 10, that is reaching the age of adolescence of subject science. So first of all, as our name suggests, that reaching the age of adolescence, okay, जो हमारी एक एडोलसेंस एज है वो अभी हमें पता नहीं होगा कि एडोलसेंस को रीच करना, वहां तक पहुंचना, उसे किसे बोलते हैं, वो समझना है। उससे पहले हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है वो इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है, तो सबसे पहले वही स्टार्ट करते। तो देखो यहां पर हमारे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। ओके, इन प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस, यानी कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ओके, यानी कि जो बच्चे वो कैसे बर्थ लेते, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली है। एनिमल्स में ह्यूमन भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, बर्ड्स भी आ गए एंड ट्रीज भी आ गए, सारी चीजें आ गई। ओके, नेक्स्ट, इट इज ओनली आफ्टर ग्रोविंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग एंड मेनी अदर एनिमल कैन रिप्रोड्यूस। क्या लिखा हुआ है? ओके, दैट ह्यूमन बींग एंड अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। ओके, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट बच्चे ने जन्म लिया और उसके बाद डायरेक्ट उसका भी छोटा सा बच्चा आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है। ओके, क्या है कि आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन एज लिमिट, एक एज लिमिट होती है, वहां पर पहुंचने के बाद ही कोई भी एनिमल, हम सारे एनिमल ही है। ओके, ह्यूमन बींग इज अ सोशल एनिमल, ओके, हम भी एनिमल है तो हमें भी एनिमल ही कंसिडर करना। ओके, कोई भी एनिमल एक एज लिमिट के बाद ही रिप्रोडक्शन करता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है, बॉडी के अंदर ऐसी क्या चेंजेस आते हैं, बॉडी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि हम रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, सोचो, ये सोचना है। और इस सारे क्वेश्चन का आंसर हमारे इस चैप्टर के अंदर छुपा हुआ है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि व्हाई कैन ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। ओके, एज वी सेड अर्लियर, अभी हमने जो बताया वैसे यहां पर कुछ लिखा है कि एक सर्टेन एज लिमिट के बाद ही क्यों हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, रिप्रोडक्शन हो पाता है, सोचना है। चलो, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द चेंजेस, कुछ ऐसे चेंजेस जो बॉडी में आ रहे हैं, द चेंजेस दैट कम्स इन अवर ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कुछ चेंज आ जाते हैं कि जिसकी वजह से हम रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ऐसे क्या चेंज आते हैं कि हम रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलो, इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं वो हमने इन चैप्टर 9 पहले ही पढ़ लिए हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर जो हमारा था। ओके, इन विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लास्ट लाइन जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कि हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हॉर्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। ओके, हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस द रोल ऑफ अ हॉर्मोन, हॉर्मोन का क्या रोल है, द रोल ऑफ अ हॉर्मोन दैट ब्रिंगिंग अ चाइल्ड इनटू एन एडल्ट। जो छोटा सा बच्चा है, जो अभी तक ये छोटा बच्चा था, वो एडल्ट बन जाएगा। ओके, वो हॉर्मोन उसके अंदर कुछ काम करते हैं, तो हॉर्मोन का ऐसा क्या रोल है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलो, तो अब हम स्टार्ट करते कि रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ओके, ये जो एडोलेसेंस एज है उसे रीच करना, ओके, वो हम अभी स्टार्ट करते। चलो देखो, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, कि एडोलेसेंस क्या और प्यूबर्टी क्या, दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, एक हेयरलाइन जितना ही डिफरेंस है। तो चलो, एडोलेसेंस क्या है पहले वो जान लेते, और प्यूबर्टी क्या है उसके बाद वो जानते। चलो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट बूजो एंड पहली बिगिन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। हमारा जो साइंस का चैप्टर है या फिर साइंस सब्जेक्ट है, उसमें ये बूजो और पहली के कन्वर्जेशन, ओके, उनके कुछ डाउट, उनके क्वेश्चन, उसके ऊपर पूरा हमारा सब्जेक्ट बेस है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे, बूजो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, एंड आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट बूजो एंड पहली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। और जब उसके फ्रेंड्स चले गए, आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट बूजो एंड पहली स्टार्टेड द चैटिंग विद देयर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के साथ वो दोनों बातें कर रहे थे जो भी कुछ हुआ होगा बर्थडे के अंदर। तभी पहली स्टडीज इन ऑल गर्ल्स स्कूल, यहाँ पर लिख रहे कि पहली जो है वो सिर्फ गर्ल्स की स्कूल में ही पढ़ी हुई है, को एजुकेशन में वो नहीं पढ़ी है, जहां पर सिर्फ गर्ल्स होती है ऐसी स्कूल में पहली ने पढ़ाई की हुई है। तो क्या हुआ, किसी स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगी, क्यों हंसने लगी, सी रिमार्क्ड दैट
Many of Bujo's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. Okay, she remarked that. यानी कि उसने mark किया, या फिर हम ऐसा बोले she marked that. Many of the Bujo's friend whom he met after a year, okay, जिसे वो एक साल के बाद मिल रही थी, were suddenly shot up in height. वो अचानक से height बढ़ गई थी. क्यों? क्या हुआ होगा? Okay, जिसे अगर हम पहले छोटू बुलाते थे, क्या छोटू? वो छोटू एक साल के बाद देखा तो वो पहली से भी उसकी हाइट ज्यादा हो गई थी, मेरे जितनी शायद हाइट हो गई होगी. तो ऐसा क्यों हुआ? यस, ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये हमारे चैप्टर का जो मेन नाम है क्या, एडोलसेंस इन प्यूबर्टी, इसके अंदर छुपा हुआ है. ओके, तो पहले ऐसे लगेगा अरे ये छोटू तो देख कितना छोटा सा था, अभी देखा तो इतनी हाइट बढ़ गई है, तो ऐसा क्यों हुआ? चलो देखते हैं कि दूसरा, उसने कुछ ऐसा मार्क किया कि सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विथ अ हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स. ओके, और उसमें से जो दूसरे थे, सम ऑफ देयर, ओके, जो भी फ्रेंड्स थे उसमें जो दूसरे थे ना, उसे क्या हुआ? दे वर लुकिंग वेरी फनी, वो थोड़े से फनी लग रहे थे. उसे क्यों फनी लग रहे थे? बिकॉज ऑफ द हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स, उनके जो लिप्स है उसके ऊपर उसे हेयरी लाइन दिख रही. यहाँ पर जो आपको मुझे मेरी आपको मेरी मस्टेच दिख रही है, वैसे उसके जो फ्रेंड्स थे जो आपकी तरह 8th या 9th स्टैंडर्ड में थे, तो उन्हें हेयरी लाइन यानी छोटी छोटे हेयर्स आ रहे थे. तो ये देख के भी पहले ये देखो तो कितना ये खराब लग रहा है. ओके, तो ऐसा क्यों हुआ? ओके, ये दोनों उसने चेंज देखे कि भाई किसी को हेयरी लाइन आ गई है. आपके क्लास में भी ऐसा होगा कि कोई जो स्टूडेंट है वो पहले छोटा होगा 7th स्टैंडर्ड में, तो 8th स्टैंडर्ड में आने के बाद उसकी डायरेक्टली हाइट बढ़ गई होगी, किसी को ये मस्टेच आनी स्टार्ट हो गई होगी, यानी कि जो हेयरी लाइन, मस्टेच तो नहीं बोल सकते बट हेयरी लाइन अबाउट द लिप्स, ये जो जगह यहाँ पर आपको हेयरी लाइन दिख रही होगी. ओके, तो यहाँ पर जो चेंजेस पहली ने देखे वही चेंजेस आपको भी आपके आजू बाजू में कई जगह पर दिखने को मिलेंगे, या तो आपके क्लास में या फिर आपके सीनियर के क्लास में. अगर 9th स्टैंडर्ड है तो 9th स्टैंडर्ड वाले क्लास में भी आपको ऐसा दिखेगा कि कोई स्टूडेंट होगा जो 8th में इतना छोटा सा लग रहा होगा, पर 9th में आना तो सडनली उसकी हाइट बढ़ गई, उसको हेयरी लाइन आने स्टार्ट हो गई. ऐसा आप भी रिमार्क करोगे, अगर नहीं किया है तो करना. चलो, तो यहाँ पर देखते हैं कि हर मदर एक्सप्लेन्ड दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप. तो उसकी मम्मी ने क्या बताया, हर मदर एक्सप्लेन्ड दैट बॉयज वेर ग्रोन अप, कि भाई जो ये बच्चे वो अब बड़े हो रहे हैं, या फिर वो बड़े हो गए हैं. ग्रोन अप यानी कि वो बड़े हो गए, कि भाई उसकी हाइट अगर सडनली बढ़ गई है, ओके, तो वो बड़ा होने लगा या फिर बड़ा हो गया. तो उसकी मम्मी ने ऐसा बताया कि भाई ऐसा हंसना नहीं चाहिए, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, हाइट तो बढ़ेगी, कोई मोटा होगा तो वो शायद मोटा हो जाएगा, कोई मेरी तरह पतला होगा तो वो पतला रहेगा. तो उसने बोला कि भाई ऐसा हंसना नहीं है, पहली तू इतनी छोटी सी है, हम ऐसे एग्जाम्पल ले, पता नहीं है पहली की हाइट कितनी है, कि इतनी छोटी सी है तो कोई हंस रहा है तेरे ऊपर, और तू ये लंबा हो गया तो हंस रही है. तो उसकी मम्मी ने क्या बताया कि बॉयज अब ग्रोन अप हो गए, वो अब बड़े होने लगे. चलो, ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा बॉडी का ग्रोथ है, ओके, वो कब स्टार्ट हो जाता है? ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन वी बॉर्न. ओके, जब हम जन्म लेते हैं, जब इंसान जन्म लेता है और उसके फर्स्ट डे से उसका ग्रोथ चालू हो जाता है. ऐसा तो नहीं है कि भाई 8th स्टैंडर्ड में और अचानक से बढ़ गए, ऐसा तो नहीं है ना. हम छोटे थे, इतनी सी छोटी सी हाइट थी पहले, इतनी सी हाइट थी, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, इतनी बड़ी. अब अगर आप शायद इतने होंगे या मेरे जितने होंगे, ओके, तो ये जो हमारा ग्रोथ है वो डे वन से स्टार्ट हो जाता है. ऐसा नहीं है कि वो आफ्टर अ सर्टेन एज या आफ्टर अ सर्टेन लिमिट वो ग्रोथ स्टार्ट होता है, ग्रोथ तो कंटिन्यूअसली चालू ही रहता है. क्लियर? चलो, बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. पर क्या है यहां पर लिखा है, बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 टू 11 ईयर्स, इट मींस व्हेनेवर वी आर क्रॉसिंग द एज लिमिट ऑफ 10 टू 11 ईयर्स, जैसे ही हम 10 से 11 साल को क्रॉस करते तब क्या होता है, देयर इज अ सडन स्पर्ट, यानी कि अचानक से चेंज आता है. स्पर्ट यानी तिनका जैसा, ऐसा कुछ चेंज आता है. कैसा चेंज आता है? इन ग्रोथ, देयर इज अ सडन स्पर्ट इन अ ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. कुछ ऐसा चेंज आता है जो नोटिसेबल हो. ये एग्जाम्पल अगर मैं दूं, वो सबने आपने महसूस किया होगा. सपोज कि आप अभी वेकेशन में यहां पर है, आपके घर पे हो, ओके, अगर मान लीजिए कि आप एक साल के बाद आप जाते हो आपके मामा के घर या चाचा के घर, तो वहां आप जाते हो तो आपको आपके मामा या चाचा या चाची आपको ऐसा बोलते हैं, ओहो राहुल तू तो इतना छोटा सा था, तू इतना बड़ा हो गया, ओके, या फिर ऐसा बोलेंगे कि कीर्ति तू इतनी छोटी सी लग रही थी, तू तो अब इतनी बड़ी हो गई, ओके. तो ये क्या है,
देर इज अ सडन स्पर्ट, ओके, सडन स्पर्ट ऑफ ग्रोथ, ये जो ग्रोथ हो रहा है उसमें एक सडन स्पर्ट आया, डायरेक्टली एक ड्रास्टिक चेंज हो गया। कैसा ड्रास्टिक चेंज? दैट इज अ नोटिसेबल, कि इंसान डायरेक्ट नोटिस कर सकता है। ओके, हमारे घर पे कोई आपका जो कजिन है, ओके, जिसे आप एक साल पहले मिले थे और एक साल बाद आपको वापस मिल रहा है, एक साल पहले सपोज कि वो छोटा है, वो पतला सा है, और एक साल के बाद आप जब मिल रहे हो तो उसकी हाइट आपसे बढ़ गई है, बॉडी उसकी बढ़ गई है, ओके, तो आपको ऐसा चेंज दिखने को मिलेगा। कैसा चेंज? दैट इज अ नोटिसेबल चेंज, ऐसा चेंज हमें देखने को मिलेगा। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ओके, ये क्या है? वट एवर द चेंजेस दैट आर टेकिंग इन अवर बॉडी, ये जो सारे चेंजेस हमारे बॉडी में आ रहे हैं वो क्या है? दैट आर द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ये जो हम बढ़ रहे हैं ना, ओके, वो उसका ही पार्ट है। क्लियर है? चलो, यहाँ पर दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट यू आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। वॉट इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट क्या करता है? इट इंडिकेट्स दैट यू आर नॉट लॉन्गर अ चाइल्ड, अब आप बच्चे नहीं रहे हो, ओके, यू आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट, आप अब एडल्ट बनने के रास्ते तरफ जा रहे हो, या फिर आप एडल्ट हो गए हो, ओके, यू आर बिकम एन एडल्ट, या तो आप एडल्ट हो गए हो और यू आर ऑन द वे टू बिकम एन एडल्ट, या फिर आप एडल्ट बनने के रास्ते में हो, ऐसा वो दिखा रहे हैं। चलो, ग्रोविंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, एज वी से अर्लियर दैट ग्रोविंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, जैसा पहले की मम्मी ने उसे समझाया था ना कि भाई ये जो हम बड़े हो रहे हैं तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हंसना नहीं चाहिए। तो ग्रोविंग अप जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि पापा आपको ऑफिस से आएंगे, हर रोज 5 आपको थप्पड़ मारेंगे तो आप जल्दी से ग्रो हो जाओगे, या फिर आपके हेड के ऊपर 5 बार मारेंगे तो आप ग्रो नहीं होगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ग्रोविंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, वो नेचुरल प्रोसेस है, जो गॉड है, ओके, गॉड जैसे चाहता है वैसे हम ग्रो होते हैं। चलो, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, एडोलसेंस किसे बोलते हैं? इतनी सारी चीजें समझने के बाद हमारी डेफिनेशन आई है, दैट द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, हमारी लाइफ का कुछ ऐसा पीरियड जब हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंज होते हैं। लाइन क्या है? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगोज चेंजेस, हमारी लाइफ का कुछ ऐसा पीरियड जब हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? लीडिंग टू अ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटीज, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू अ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस, हमारे लाइफ का ऐसा टाइम कि जब हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चेंज आता है, जब हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, लीडिंग टू अ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, इट मीन्स कि हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ क्या कर रहे हैं? आगे आगे जा रहे हैं। तो ये जो टाइम है इसे क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। ये डेफिनेशन जो हमने समझी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडोलसेंस की डेफिनेशन, ये तो याद होनी ही चाहिए। इसमें सिर्फ 3 ही लाइन है, क्या है? द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ओके, या फिर द पीरियड ऑफ अ लाइफ, लाइफ का कुछ ऐसा पीरियड, ओके, द पीरियड ऑफ अ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस, जब बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस? लीडिंग टू अ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, ओके, कुछ ऐसे चेंजेस जो हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस। क्लियर? ये याद होनी ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं कि एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, ओके, बट मेन क्वेश्चन है कि व्हेन द एडोलसेंस स्टार्ट्स, एडोलसेंस कब स्टार्ट्स होता है? तो उसका आंसर यहां पर है कि एडोलसेंस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 10 टू 11 ईयर्स, ओके, 10 से 11 साल के बीच एडोलसेंस स्टार्ट हो जाता है, एंड लास्ट अप टू 18 टू 19 ईयर, और 18 से 19 साल के आप होते हो तब तक ये चालू रहता है, ओके, चलो। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स 13 टू 18 ईयर और 19 ईयर ऑफ एज, ओके, एंड द एडोलसेंस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द टीनेजर पीरियड, ओके, सिंस दिस पीरियड इज कॉल्ड टीन्स, आप सभी को क्या बोलते हैं? टीनेजर्स। 13 से लेकर 18 साल तक, या फिर 19 साल तक, 13 से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे उसे हम क्या बोलते हैं? टीनेजर्स, ओके, उसके बाद आप एडल्ट हो जाते हो। अभी सपोज आप मान लो कि आप बाइक चला रहे हो, तो आपके पास लाइसेंस है? नहीं है ना लाइसेंस। क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर अ टीनेजर राइट नाउ, यू आर नॉट एन एडल्ट, आप एडल्ट नहीं हुए हो। आपको क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो पता नहीं है अभी इतना ज्यादा। जैसे हम एडल्ट हो जाते हैं, ओके, तो हमें सारी चीजें पता चलने लगती है, हमारा माइंड थोड़ा सा स्टेबल होने लगता है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है कि बस
ये बच्चा अब 18 साल के ऊपर हो गया है तो इसे पता है कि बाइक कैसे चलाना चाहिए, कितनी स्पीड में जाना चाहिए। आपके क्लास में ऐसा हुआ होगा कि कोई बच्चे जो है वो बाइक लेके या फिर कोई एक्टिवा स्कूटर ऐसा कुछ लेके आते होंगे, ओके। तो वो बच्चे जो होंगे ना वो एकदम से फास्ट चलाएंगे, कोई आके ब्रेक लगा के ऐसे स्लिप करेंगे, ऐसा कुछ करते होंगे जो बच्चे। उसे पता नहीं है कि ये गलत है भाई, इससे वो गिर भी सकता है, इससे उसे लग सकता है, इससे उसको बाइक को डैमेज हो रहा है। बस अभी वो जो इस एज में टीनेजर में उसमें उसे ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है। उसे तो सिर्फ क्या करना है, बस उसे फन चाहिए, उसे एंजॉयमेंट चाहिए, उसमें उसे मज़ा आता है। पर जैसे आप बड़े होते तो आपको पता चलता है आपके पापा ऐसा करते कि एकदम स्पीड में चलाते 100-120 की स्पीड पे, नहीं करते ना उतनी स्पीड में जाके सडनली ब्रेक लगा के एकदम लंबी सी स्लिप लगाते, ऐसा नहीं करते ना, नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो एडल्ट हो गए और आपको भी ऐसा नहीं करना है, क्लियर। क्योंकि आपको अब मैंने बताया कि भाई ऐसा करना नहीं चाहिए, तो हमें नहीं करना, अगर हो सके तो नहीं करना, अगर करो तो कोई बात नहीं, ओके। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एडोलसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर इन गर्ल्स, एडोलसेंस मे बिगिन अ ईयर और अ टू ईयर अर्लियर देन बॉयज। क्या लिखा है कि इन अ गर्ल्स द टाइम ऑफ एडोलसेंस बिगिंस ईयर और अ टू ईयर अर्लियर देन अ बॉयज। जब बॉयज का ग्रोथ स्टार्ट होता है, जब बॉयज एडोलसेंट पीरियड में आते उसके एक या दो साल पहले गर्ल्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो गर्ल्स होती है वो बॉयज से ज़्यादा समझदार होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो एडल्ट बनने के जो टाइम है वो बॉयज के पहले आ जाता है। बॉयज जो होते हैं ना वो बच्चों जैसे ज़्यादा होते हैं, गर्ल्स जो होते हैं वो थोड़ी सी समझदार होती है। ऐसा आपने सुना होगा हमारे घर में, रिश्तेदारों में कहीं हम ऐसा सुनते हैं कि भाई मेरी बेटी जो है ना वो बहुत समझदार है, वो बहुत सुलझी हुई है, ऐसा बोलते हैं। वो कह रही है, बोलते हैं मेरा बेटा तो समझता ही नहीं है, पूरा दिन ऐसे यहाँ वहाँ घूमता रहता है, पूरा दिन खेलता रहता है, ऐसा बोलते हैं। पर जब आप 18-19 साल के हो जाओगे तब वापस से स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, ना 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 ना, अब मेरा बेटा है ना वो एकदम से सुलझ गया, एकदम से शांत हो गया, ओके, ऐसा हम सुनेंगे। क्यों? क्योंकि तब आप एडल्ट हो गए हो, क्लियर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, ओके। और ये जो पीरियड है एडोलसेंस का जो टाइम है, इट इज ऑल्सो वेरीज पर्सन टू अ पर्सन, ओके। एक इंसान से दूसरे इंसान में चेंज है, ऐसा नहीं है कि आपका जो एक फ्रेंड है वो उसकी हाइट सडन बढ़ गई और आपकी हाइट नहीं बढ़ी, तो हमें ऐसा सोचना है कि ना 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 मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ी, ओके। कोई पर्सन है उसको 10-11 साल में स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई पर्सन है वो 13-14 साल में स्टार्ट हो जाएगा, ओके। कोई जो इंसान है वो 18 साल की एज पे पहुंचेगा ना तो उसकी हाइट कंप्लीट बढ़ गई होगी, और किसी इंसान की 20 साल तक पहुंचेगा ना तब उसकी हाइट पूरी बढ़ेगी। तो इसका मीनिंग क्या है? यस, ये जो लाइन है वही उसका मीनिंग है कि ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, ओके। पर्सन टू पर्सन जो एडोलसेंस का पीरियड है उसका जो टाइम है वो भी अलग अलग होता है, उसका स्टार्टिंग टाइम भी कुछ अलग होता है और उसका एंडिंग टाइम भी कुछ अलग होता है। चलो, द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। अब क्या लिखा है कि हमारा जो बॉडी है, द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ अलग अलग चेंजेस आते हैं इन द टाइम ऑफ एडोलसेंस, इन द पीरियड ऑफ एडोलसेंस। ये जब एडोलसेंस का पीरियड चल रहा है यानी कि 11 साल से लेकर 18 साल तक, हमारे बॉडी के अंदर कुछ खतरनाक वाले चेंज आते हैं, कुछ ड्रास्टिक चेंज आते हैं, सडन स्पॉट आते हैं, ओके। जो कैसे है? यस, दैट आर नोटिसेबल, ऐसे कुछ चेंज आते हैं जो नोटिसेबल है। चलो, दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ओके। और ये जो चेंजेस है ना, क्या लिखा है, दैट चेंजेस मार्क, और ये चेंजेस बताते हैं, जब ये चेंजेस हो रहे हैं तब हमें पता चल जाए, दैट चेंजेस मार्क ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि आप प्यूबर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एडोलसेंस स्टार्ट हो जाता है 10 से 11 साल, और जब ये चेंजेस दिखने लगते हैं ना 13-14 साल के, जब आप हो जाते हो, जब आप 8th में आ जाते हो, तब ये चेंजेस दिखने लगते हैं। ये चेंजेस जब दिखते हैं उसे बोलते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि अब आप प्यूबर्टी की कगार पर आ गए हो, या फिर आपके बॉडी के अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। तो एडोलसेंस और प्यूबर्टी में इतना ही डिफरेंस है, क्या कि जो पूरा पीरियड है उसे एडोलसेंस बोलते हैं, जब हम बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ हम आगे बढ़ते, वो एडोलसेंस है। और प्यूबर्टी कब है? यस, दैट चेंजेस मार्क, जब ये चेंजेस हमें दिखने लगे ना वो हमारा प्यूबर्टी। क्लियर, दैट एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी वो दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट, कि दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इन अ प्यूबर्टी और इन अ एडोलसेंस? सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज दैट गर्ल्स एंड बॉयज आर नाउ बिकमिंग
कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, गर्ल्स एंड बॉयज जो है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। चलो, प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलेसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और ये जो प्यूबर्टी है वो कब खत्म हो जाता है? यस, प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलेसेंस रीचेस एन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हासिल कर लेते हैं, यानी कि जब इंसान रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हासिल कर लेता है, तब प्यूबर्टी एंड होती है। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि व्हेन द प्यूबर्टी एंड्स, तो हम क्या लिखेंगे? प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलेसेंट रीच द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब हमारा एडोलेसेंस है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी रीच कर लेता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है, तब हमें क्या बोलते हैं? यस, प्यूबर्टी खत्म हो गई। क्लियर? तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे अगले लेक्चर में।